नमस्कार दोस्तों। बेसिकली आप में से बहुत लोगों ने ये पूछा है कि सर, एडवर्टाइजमेंट में एक चीज़ मेंशन की गई है, आइकाओ एल्पा लेवल 4, तो ये क्यों मेंशन की गई है, इसका क्या तात्पर्य है? तो बेसिकली ये जानना भी ज़रूरी है, अदरवाइज आपके दिमाग में चलता रहेगा पता नहीं क्या बवाल है भाई ये। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं आइकाओ क्या है। आइकाओ क्या होता है? देखो, जैसे अपने इंडिया में DGCA है, DGCA क्या करता है, भारत के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई या फिर जो भी पैसेंजर फैसिलिटीज़ हैं एयरलाइंस को, ATC को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, सबको, मतलब कि ये मॉनिटर करता है, उनके लिए रूल बनाता है कि किस तरह से आपको काम करना है। इसी तरह से आईकाओ है, वो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं उनको ये देखता है कि वहाँ पे जितने एयरपोर्ट हैं उन पे सही से काम चल रहा है, पूरे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सही हैं, उनके लिए रूल बनाना, ये सब आईकाओ का काम है। अब आता है एल्पा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी असेसमेंट। ठीक है, तो जैसे अपने एग्ज़ाम होते हैं 0 से 100 के बीच में अपन मार्क्स ला सकते हैं, 100 का एग्ज़ाम, उसी तरह से ये एक एग्ज़ाम टाइप ही मान के चलो आप इसको, जिसमें मतलब कि आपका वॉइस कम्युनिकेशन चेक किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें 1 से लेकर के आपको 6 तक के मार्क्स दिए जा सकते हैं। 6 जो होता है वो मतलब कि बहुत अच्छा है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ट है, जिसका 1 है मतलब कि वो सबसे घटिया है, तो ये एक स्केल हो गया इसका। अब जानते हैं कि ये कंडीशन हमारे एडवर्टाइजमेंट में क्यों डाली गई है, क्योंकि आपने देखा ये कंडीशन लगाई गई है, तो इसको लगाने का भी कोई कारण होगा। तो हमारे एडवर्टाइजमेंट में ये कंडीशन लगाई गई है, उसके पीछे बेसिक एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि SSC CGL की जॉब है, उसके अंदर आपको भारत के लोगों से ही डील करना है, तो आपको कोई ज़्यादा लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन ATC की जॉब है, आपको पता है यहाँ पे पायलट से हमारा बेसिकली कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जितने भी मतलब कि एयरक्राफ्ट की जो कंपनी है हमारी, एविएशन की एयरलाइंस है, उनके पायलट हमारे पास आते हैं और उन सब से हमें क्या है कि बात करनी पड़ती है, तो उसमें एक कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोले जा रहा है, इधर से हम पेले पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा मतलब कि चल क्या रहा है ना, तो बोला कुछ है पायलट हमें करके कुछ दिखा देगा नई चीज़, तो उससे क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इंसिडेंट्स को, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन पायलट और ATC के बीच में सेट करने के लिए, प्लस पिछले कुछ प्रीवियस इंसिडेंट्स जो हुए हैं उनको देखते हुए कि लैंग्वेज की वजह से कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये आईकाओ ने निष्कर्ष निकाला कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक आप इस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म बनाइए, वही कॉमन होगा और मिनिमम इस लेवल पे बंदा बोले ताकि मतलब कि समझ में आ जाए सामने वाले को। जैसे अपने चरखी दादरी में एक इंसिडेंट हुआ था अभी 10 साल पहले, तो उसमें 10 से 15 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था चरखी दादरी हरियाणा के अंदर, उसमें 2 इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट क्या थे, दिल्ली FIR के अंदर थे, दोनों टकरा गए थे ना हवा के अंदर 15,000 14,000 फीट के आसपास में। तो वो क्यों हुआ था, लैंग्वेज की वजह से हुआ था, वो आपस में समझ नहीं पाए थे एक दूसरे की लैंग्वेज। उसके बाद में ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये रूल बना दिया कि भैया इस तरह से नहीं चलने वाला है, आपको कॉमन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि एल्पा का मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल टू डू ATC जॉब। ATC की जॉब करने के लिए आपको लेवल 4 जो है वो आपका रिक्वायर्ड है, मिनिमम होना चाहिए, आपको पायलट के साथ में कम्युनिकेशन करना है। तो सेम मतलब कि यदि कोई पायलट है उसको ATC के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है, उसका भी लेवल 4 या अबव होना चाहिए, देन ओनली ही कैन कम्युनिकेट विद ATC, अदरवाइज ही इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक ओवर चैनल और टू कम्युनिकेट। जिनका लेवल 4 होता है, इसका मतलब है कि वो मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश स्पीकिंग में, लेकिन वो लोग क्या है कि अपना जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट करने के लिए मतलब कि ठीक ठाक है, वो कम्युनिकेट कर देते हैं अपना मैसेज। ठीक है, नॉर्मली मतलब कि जिनकी दिक्कत रहती है वो लोग इधर ही आते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा भी मतलब लेवल 4 में था जब मैंने ज्वाइन किया था, और जिनका लेवल 4 है उनको 3 साल के बाद फिर से मतलब कि असेस किया जाता है, एक बोर्ड रहता है 3 मेंबर्स का, वो लोग चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है। तो नॉर्मली आप जब इस एनवायरनमेंट में काम करोगे तो धीरे धीरे आपकी थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो अभी जैसे मेरा लेवल 5 है, तो लेवल जिनका 4 है उनका 3 साल के बाद असेसमेंट होता है, 3 साल बाद हुआ असेसमेंट, उसमें मान लो उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उन्होंने बोला नहीं आपका लेवल 4 ही है भाई अभी भी, तो फिर से उसका 3 साल बाद फिर असेसमेंट होगा, इस तरह से चलता रहता है ना। यदि आपका लेवल 5 हो जाएगा तो उसके बाद में असेसमेंट जो रहेगा वो 6 साल के बाद आपका होगा, मतलब कि आपकी इंग्लिश अभी थोड़ी ठीक हो गई है, अभी आप इस पर थोड़ा और ध्यान दीजिए, आपकी और इम्प्रूव हो जाएगी, इस तरह से है।
लेवल जिनका 5 रहता है वो 6 साल के बाद उनको बुलाया जाता है असेसमेंट के लिए, और जिनका लेवल 6 होता है उसका मतलब है कि वो मतलब फुल्ली फ्लुएंट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रोनंसिएशन जो है बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है उनका, ठीक है। तो उन लोगों को एक बार 6 मिल गया तो मतलब भविष्य में कभी भी उनको असेसमेंट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, वो हमेशा मान लिए जाएंगे कि ये प्रोफिशियंट है, ठीक है। तो ये लेवल्स जो होते हैं इनके भी क्राइटेरिया होते हैं वो जो जज करते हैं, क्योंकि जैसे कि किसी का लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ रहा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल साइड के लोग बोलते हैं कि वैकेट, जैसे वैकेट रनवे को बोलते हैं भैकेट रनवे, इस तरह से उनकी निकलती है आवाज़, है ना। तो वो जज करते हैं कि भाई आपका थोड़ा लोकल इन्फ्लुएंस है इसलिए आपको लेवल 4 देंगे। जैसे कि ये बिहार साइड के लोग बोलते हैं स्पाइस जेट को बोलेंगे अस्पाइस जेट, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे घबराने कोई बात नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से सब लोग करते हैं, सबका लेवल 4 से ज़्यादा है अपने यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन जो थोड़ा अटकते हैं बोलने के अंदर, जैसे कि स्पाइस जेट वैकेट रनवे, इस तरह से जो बोलते हैं उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम है, आप मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपके लिए जॉब सही भी नहीं है, आप कहीं और ध्यान दे सकते हैं। लेकिन थोड़ी इंग्लिश को आप आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था, इसलिए मेरा ये पर्पज़ था वीडियो बनाने का। घबराने की बात नहीं है भाई, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले सिलेक्शन लो, बाकी सब चीज़ें जो है ना समय के साथ में आप अपने आप कर लोगे। मैं कभी ज़िंदगी में सुबह जल्दी नहीं उठता था, लेकिन अभी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है मेरी, अपने आप, ना माँ बाप यहाँ साथ रहते हैं, अपने आप सुबह मेरी आँख खुल जाती है अपने आप 5-6 बजे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई, समय के साथ आदमी चेंज हो जाता है। मस्त रहो, मुस्कुराते